अक्सर लोग ये सोच के छोटी गाड़ी लेते हैं कि उन्हें शहर में चलाने में बहुत आसानी होगी और इसकी फ्यूल एवरेज भी बेहतर होगी, और बड़ी गाड़ी छोटे शहरों या मतलब शहर अंदरूने शहर के हिसाब से फिजिबल नहीं लगती, अगर ऐसा एक सेंसिबली सोचा जाए तो। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप लोग एग्री करें तो मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल, छोटी गाड़ी आपको छोटी मोटी गलियों से और छोटे रोडों से और ट्रैफिक में आप मनोवर करने में थोड़ा आसानी देती है, क्योंकि साइज़ छोटा होता है इसका, पार्किंग में आसानी देती है कुछ जगहों पे। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। छोटी गाड़ी जिसका छोटा फ्रेम है, जिस तरीके से 660 cc एक गाड़ी है, इसका आप अगर किसी स्पीड ब्रेकर से या फिर खड्डों वाली सड़क से गुजारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो महसूस कराती है खड्डा। इसकी वजह ये, इसका वेट, जैसे ये अभी खड्डा है, पूरी गाड़ी हिल गई है, इतना कोई मेजर खड्डा नहीं था। लेकिन इसकी वजह क्या है कि इसका वज़न बहुत कम होता है इस गाड़ी का, बनिस्बत किसी बड़ी सेडान गाड़ी के। इसका वज़न मुझे कंपैरेटिवली, बिल्कुल मैं एनालिटिकली तो नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी कम होता है। तो वो आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी बहुत हल्की होती है, इसका इंटीरियर बहुत हल्का होता है, और फिर मकसद ये होता है कि फ्यूल एवरेज अच्छी निकले। तो छोटे छोटे खड्डों पे भी ये पूरी बच जाती है, जिसकी वजह से आपको एक फटीग होती है, आपको थकन होती है फिजिकली भी और मेंटली भी, कि यार ये देखें अभी थोड़े से ज़्यादा हैवी खड्डे आए हैं। तो ये पूरी गाड़ी आपको महसूस कराती है कि यार खड्डे हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है। उसके बाद अब ये थोड़ा शायद हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें, इसका जो ये पिलर साइड होता है ये थोड़ा ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, मतलब आपको विजन में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बनिस्बत आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हों तो बहुत आपको विजन बहुत ज़्यादा ब्रॉड मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, जिस और ड्राइविंग आसान हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी SUV में बैठे हों, भले आप ट्रैफिक में भी चला रहे हों अगर SUV, तो ऐसा लगता है कि आप रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और हर चीज़ आपके सामने से गुजर रही है, आपको हाइट के हवाले से भी और चारों तरफ से 360 नहीं, चारों तरफ से आपको अच्छा व्यू मिल रहा होता है। तो माना कि वो बहुत बड़ी गाड़ी है, वो गलियों में नहीं जा सकती, वो आपको ट्रैफिक में हो सकता है थोड़ी ज़्यादा देर फंसना पड़ जाए उसकी वजह से, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। अच्छा, और फिर बात रही फ्यूल एवरेज की। अच्छा, कुछ बड़ी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनका फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छा होता है, वजह उनका बड़ा इंजन, बड़ी गाड़ी है तो उसके साथ बड़ा इंजन भी लगा हुआ है, उस इंजन में ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कार को पुल कर रही होती है, तो उसका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा मिलता है, बनिस्बत आप कोई छोटी गाड़ी ले लें। चले मेरा का तो अच्छा है फ्यूल एवरेज, बुरा नहीं है, मतलब आप इसको हाइब्रिड गाड़ी से तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी लोकल कार्स में देखें, कल्टस वगैरह में, तो कल्टस से भी शायद इसका थोड़ा सा बेहतर फ्यूल एवरेज है, मतलब बहुत फ़र्क नहीं होगा, 19-20 फ़र्क होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको अब इसके मुकाबले में आप किसी बड़ी गाड़ी को देख लें, वो भी आपको बड़ी गाड़ी में आपके पास सिटी आ जाती है, एरिस आ जाती है, या करोला 1.6 वगैरह, वो भी आपको अच्छा एवरेज दे देती हैं, मतलब शहर में वो भी आपको 12-13 एवरेज दे देती हैं, और हाईवेज पे 15 तक वो एवरेज इजीली दे देती हैं आपको बहुत प्यार से। तो हाँ, ये हाईवे पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा एवरेज दे देती है, 20 तक दे देती है। तो खैर, एवरेज की बात करें तो ये जीत जाएगी कोई काफ़ी जगहों पे और मेंटेनेंस वाइज भी, लेकिन मुझे लगता है बड़ी गाड़ी ज़्यादा रफ एंड टफ होती है, वो इंड्योर बहुत काफ़ी चीज़ें कर सकती है, वो थोड़ी आपको अगर उसकी एक जनरल ओवरहॉल मेंटेनेंस करवानी पड़ जाए तो वो तकरीबन 50,000 पे जाके होगी, और इसकी हो सकता है थोड़ा सा जल्दी करवानी पड़ जाए ड्यू टू द वेयर एंड टेयर कॉज्ड बाय दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा काफ़ी शहरों में, शहर के अंदर के हिस्सों में मेहनत की ही नहीं जाती, काम किया ही नहीं जाता, ये देखिए मतलब खड्डे ज़्यादा हैं रोड कम है, इस बात को मतलब समझा जा सकता है। तो
हाईवेज के हिसाब से तो चलें ठीक है, आपको अच्छे रोड मिल जाते हैं, पर शहरों में बहुत ख़राब रोड है, तो ये ख़राब रोडों के हिसाब से चलने के लिए गाड़ी फिजिबल नहीं रहती, छोटी गाड़ी। अच्छा, अब इसका इंजन छोटा है, ये एसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अभी तो अच्छा मौसम है, लेकिन आप गर्मियों में किसी 660 सीसी गाड़ी में चार बंदे बिठा के अगर ड्राइव कर रहे हो और आपको ट्रैफिक मिल जाए, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो एसी इसका काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बस हाँ, ऐसा होगा कि हल्की हल्की ठंडी हवा मिल रही होगी, लेकिन आपको एसी कूलिंग नहीं दे रहा होगा, अच्छी जैसे चिलिंग कहते हैं। तो एसी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फिर उसके बाद इसके जो ये मैं ड्राइव की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है शहर के हिसाब से। भले आप शहर में चला रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दो घंटे अनकंफर्टेबल राइड में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए वो अच्छी तो नहीं हुई वो गाड़ी। तो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। मतलब आपका एक तो बजट क्या बन रहा है, लेकिन ये मुझे लगा कि फ़र्क है।